फ्रेंड्स वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स अभी का वीडियो है टाटा अविनय इलेक्ट्रिक, कैसी है ये गाड़ी। अच्छा ये हमने किया था पर कॉन्सेप्ट कार है। हाँ आपने हमने पहले वीडियो किया था वो तो अमेजिंग था, पर आपने कहा कि भैया ये वाला देखो क्योंकि ये इन डेप्थ में होगा, तो देखते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। मैं तो सपने लूंगी मैं इस गाड़ी में बैठी हूं। और कह रहे 3 साल में आने वाली है तो हाँ, अच्छी बात है, आ जाए तो मजा ही आ जाएगा और महंगी भी नहीं है इतनी। तो चलो शुरू करते हैं। हे गाइस वेलकम टू मोटर ऑक्टेन। आज हम आपके लिए लाए हैं एक और एक एक्साइटिंग कॉन्सेप्ट जिसके बारे में there's been a lot of news about it। और ये गाड़ी है टाटा की अविनय। यहाँ पीछे नाम लिखा हुआ है बड़े में अगर आप देखेंगे यहाँ पे जाके, पर नाम के साथ साथ गाड़ी भी देख लीजिए विच इज राइट इन फ्रंट ऑफ मी। जी हाँ ये एक और एक कॉन्सेप्ट मॉडल जो आज टाटा मोटर्स ने दिखाया। आपको ये वीडियो में ऐसे इतने सारे डिटेल्स मिलेंगे यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग अबाउट इट। तो शुरू करते हैं विद वेरी सिंपल फैक्ट्स। ये गाड़ी जो है थर्ड जनरेशन की टाटा मोटर्स की गाड़ी रहेगी ऑन इलेक्ट्रिक। मैं इसमें डिटेल पे जाऊंगा आगे जाके, पहले गाड़ी दिखाता हूँ जिसके लिए आप यहाँ। लेट्स गो टू द फ्रंट ऑफ द कार। यहाँ पे ओवरऑल अगर आप डिजाइन देखते हो तो कहीं ना कहीं क्योंकि ये इलेक्ट्रिक गाड़ी है तो आपको बहुत सारे यहाँ पे क्यूज ऐसे दिखाई देंगे जो नए हैं। सो यू कैन गो ऑन लुकिंग एट ईच एंड एवरी बिट। यहाँ पे एक एक करके बताता हूँ। पहले इसका फ्रंट देखते हैं। ओके तो फ्रंट अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे जो ये लाइट का पैटर्न दिया हुआ है, अगर आपको याद है कर्व में भी आगे व्हाइट लाइट जल रही थी तो इसमें आपको एक सॉर्ट ऑफ सिमिलर पैटर्न को आगे कैरी फॉरवर्ड किया गया है इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल डिजाइन जो इसमें मिल जाएगा। अब इसके हेडलैम्प्स वहीं से अगर आप नोटिस करेंगे तो ओवरऑल इसकी स्टाइलिंग में यू नो इट्स स्टिल अ वेरी मच वेरी अर्ली कंसेप्ट स्टेज, तो इस वजह से आपको यहाँ बहुत सारी चीजें देखने नहीं मिलेगी। और ये सेम चीज है, अब आपको एक ही स्कूल दिखाता हूँ यहाँ पे जो मैंने आपको ये पार्ट दिखाया। ओके नाउ लुक एट इट बिलो, आपको वही चीज यहाँ नीचे मिलेगी इन दैट सेम फॉर्मेट, इन मतलब इन्वर्ट करके यहाँ दिखाया गया। अब यहाँ पे इसका होने का एक फायदा यह है कि यहाँ से जो भी हवा है एक्स्ट्रा एरोडायनामिक एयर है वो यहाँ से पास होगी जिससे गाड़ी की ओवरऑल एफिशिएंसी बढ़ेगी और आपका रेंज भी फर्दर एनहांस हो जाएगा। अब गाड़ी के साइड की तरफ जाते हैं, यहाँ पे मैं आपको एक एक चीज करके दिखाता हूँ। पहले पूरा वाइड देख लो। मैं आपको एक चीज बता दूँ, ये गाड़ी जो है 4.3 मीटर्स इन लेंथ है, अप्रोक्सीमेटली क्रेटा की लेंथ की गाड़ी है, ठीक है। और यहाँ पे आप दो चीजें देखोगे, पहला कि इसके जो व्हील्स है टायर्स है एकदम एजेस पे है, ऑलराइट, ऐसे नहीं कि आगे आपके पास बहुत है, ऑलमोस्ट एकदम एज पे है। इस वजह से गाड़ी के अंदर जो है काफी ज्यादा स्पेस क्रिएट हो जाती है क्योंकि इसके व्हील्स बहुत एजेस पे है। तो एक वो एडवांटेज है कि आपको लॉन्ग व्हील बेस आ गया। सेकेंड इसका एडवांटेज ये आता है कि इसमें जो इंजन कंपार्टमेंट है वो काफी छोटा है क्योंकि ये गाड़ी बनाई गई है टू बी अ प्योर इलेक्ट्रिक व्हीकल। इसमें आपको ना पेट्रोल या डीजल का ऑप्शन नहीं आएगा, तो इस वजह से जो इसका इंजन बे एरिया है वो काफी छोटा यहाँ हो जाता है। ऑलराइट अब अगर हम इस गाड़ी के रियर की तरफ जाएंगे, आप यहाँ पे दूसरे एलिमेंट्स नोटिस करोगे जो हमने कर्व में भी देखे थे और एक एक करके वो सारी चीजें आपके लिए यहाँ कवर करने वाला हूँ। अच्छे से देख लीजिए इसको वाइड में, आपको एक बार दिखा दूंगा एंड देन आई विल गेट इनटू डिटेल्स वन बाय वन। तो यहाँ पे रहा इसका स्पॉइलर, पहले इसके टॉप पे स्पॉइलर के बारे में बात करते हैं। एकदम इनग्रेन्ड है इनटू द डिजाइन और मतलब ऐसे नहीं लग रहा है कि कुछ बड़ा है या छोटा, इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ द एंटायर थिंग। और आपको अक्रॉस द कार काफी सारे ऐसी जगह मिलेगी जहाँ से हवा पास होने के लिए जगह रखी है फॉर बेटर एफिशिएंसी। तो यहाँ पे आपके पास एक छोटा सा पॉइंट है जहाँ से हवा जा सकती है। उसके बाद जैसे ही आप और नीचे आएंगे आपको वही जो फ्रंट में देखा था, यू कैन सी दैट एंटायर थिंग यहाँ पे भी अच्छे से देख लीजिए। सेम पैटर्न आपको यहाँ पीछे भी दे दिया गया है विच इज अ कैरी फॉरवर्ड ऑफ द एंटायर डिजाइन। ओके और नीचे यहाँ पे आपके पास एक और एक पैटर्न दिया हुआ है जो काफी अच्छा लग रहा है। एंड फिलहाल तो यहाँ बूट खोल नहीं सकती क्योंकि ये कॉन्सेप्ट कार है, बट ऐसा स्टाइल दिया है। एंड नीचे यहाँ पे अविनय लिखा हुआ है एंड उसके नीचे भी आपके पास स्पॉट है, तो वो टी जो ऊपर था वैसे इधर उल्टा टी फॉर्मेट में। और यहाँ से जो यू नो डिजाइन है वो कंप्लीट किया गया, वो हवा के लिए यहाँ से सारी जगहों पे आपको एलिमेंट्स दे दिए गए निकालने को। सो आपको साइड में भी एक पॉइंट है जहाँ से एक्चुअली हवा निकलेगी, आई विल शो यू दैट ऑल्सो। तो वो यहाँ से कुछ आ जाता है
यहाँ देख लीजिए, ये जो पार्ट है यहाँ से अंदर जाता है, तो यहाँ पे आपके पास और स्पेस दी गई है जिससे आप यहाँ से और इजीली हवा निकाल सकते हैं। इसके टायर्स मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, बिकॉज मैंने वो दिखाई नहीं है आपको, आप नोटिस करोगे यहाँ पे ये एलिमेंट दिया हुआ है। सो ये बेसिकली क्या होता है, जैसे अभी फिलहाल तो एक कॉन्सेप्ट है, मतलब इसमें कोशिश ये है डिजाइन की कि जैसे ही गाड़ी तेज बढ़ेगी आगे तो ये एलिमेंट्स और खुलेंगे जिससे हवा इसमें से पास होगी ताकि और गाड़ी की रेंज यहाँ बढ़ सके। ओके, इससे पहले मैं गाड़ी के अंदर जाऊँ, मैं आपको दो तीन पार्ट्स बता देता हूँ। ये गाड़ी जो है बनाई गई है प्योरली इलेक्ट्रिक यूज के लिए और इसका क्लेम्ड रेंज एटलीस्ट 500 किलोमीटर आने वाला है, और क्योंकि ये सब चीजें की गई है तो ये गाड़ी को टाइम भी लगेगा आने को। ये फिलहाल एक सिर्फ डिजाइन फॉर्मेट है। अभी गाड़ी के अंदर जाते हैं, we'll show you what all is shown inside and then we'll come to more facts about it. ये मुझे दरवाजा, अरे तो ऐसे ही खुल रहा है, वो तो दो से खुला था यार, ये एक ही खुला, वो दूसरा, हाँ अब खुला, अब खुला, अब खुला, रिमोट से खुल रहा है। तो अभी आपने एक चीज से देख ली होगी कि गाड़ी के दरवाजे ऑलमोस्ट बटरफ्लाई टाइप खुल जाते हैं एकदम वाइड, और यहाँ पे मैं आपको एक एक चीज बताता हूँ। तो पहले जो बैक सीट अगर आप देखते हैं तो इस पे जनरली तीन लोग बैठने वाले, इंडिया इंडियन यूज के लिए बनाई गई है, तो इस वजह से यहाँ पे आपका फोकस रहेगा फॉर अ लॉट ऑफ कम्फर्ट, तो इसलिए यहाँ पे थ्री सीटर बनाया गया है। एंड साथ में आप बहुत सारी चीजें नोटिस करोगे, तो जैसे ये फ्लोर है गाड़ी का, ठीक है, अब अगर आप ये फ्लोर देखते हो गाड़ी का, देखिए पूरी गाड़ी अभी कॉन्सेप्ट है, तो यहाँ पे सस्टेनेबल मटेरियल से इसको बनाने की कोशिश की गई है, तो इसे बनाया गया बेसिकली ऑयस्टर के जो डेड शेल्स रहते हैं उसे ग्राइंड करके उसे बाद में इंजेक्ट करके इनटू मोल्ड्स ये बना दिया गया, तो इस पे आपको एक अच्छा सा टेक्सचर भी फील आ जाएगा। एंड बैक सीट जो है यहाँ पे काफी फोकस किया गया है ऑन स्मॉल स्मॉल बहुत सारी चीजें। अब जैसे मैं आपको एक चीज बताता हूँ, यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि आपके पास जो हेडरेस्ट है ये काफी बड़ा है और ये एक रॉड पे बनाया गया, आप देख रहे हैं एक रॉड पे इसको बनाया गया, और लेफ्ट साइड पे ऑफ द रॉड आप नोटिस करोगे जहाँ हेडरेस्ट है उसके बगल में एक गैप है ब्लैक कलर की। अब वो गैप क्या है, उसमें एक्चुअली आपके स्पीकर्स बैठेंगे। जी हाँ, तो जो बंदा वहां बैठा है उसके लिए वहां पे लेफ्ट साइड पे एक स्पीकर रहेगा जिससे उसको उसी की मतलब म्यूजिक क्लियरली बाजू में उसके सुनाई देगी। एंड ऐसे नहीं कि यू नो कि स्पीकर कहीं दूर बज रहा है और आपको सुनाई दे रहा है, तो ये आपसे मोर ऑफ अ हेडफोन इफेक्ट देने की कोशिश की गई है। इसके साथ आपका जो सीट बेल्ट है वो यहाँ पीछे माउंटेड है इसके ऊपर, रादर देन कहीं साइड में माउंटेड रहता है। एंड इवन जो गाड़ी की एम्बियंट लाइटिंग है उस पे भी ध्यान देके इसको बनाया गया कि इसकी एम्बियंट लाइटिंग जो है एकदम नीटली प्लेस्ड है। अब मैं वहाँ के आपको एक चीज़ क्लियरली दिखाना चाहूँगा जो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा किया गया है, इज द लोकेशन ऑफ एसी वेंट्स। अब आप जनरली एसी वेंट्स कहाँ ढूंढते हो गाड़ी में, वहाँ आगे की तरफ ढूंढते हो, करेक्ट, यहाँ दिख रहा है आपको, आप पीछे की तरफ ढूंढते हो, दिख रहा है, रूफ पे ढूंढते हो, रूफ में दिख रहा है आपको एसी वेंट, नहीं ना, तो मैं आपको बताता हूँ इस गाड़ी के एसी वेंट क्या है। तो इसके एसी वेंट यहाँ पे है, देख रहे हैं आप, तो ये एसी का वेंट जो है यहाँ जो बंदा बैठेगा उसी के कंट्रोल के लिए दे दिया जाएगा, और आप यहाँ से टेम्परेचर कम और बढ़ा सकते हो अपनी मन मर्जी के हिसाब से। प्लस आपको यहाँ पे सीट एडजस्टमेंट का भी ऑप्शन दे दिया गया कि आपको सीट एडजस्ट कैसे करनी है, वो आप यहाँ कर सकते हो। प्लस आपके पास यहाँ पे भी अंडरनीथ स्टोरेज मिलेगी जो आप बंद करके रख सकते हो गाड़ी की, ओके। सो ये सारी चीजें यहाँ दे दी गई है, और जो मैंने आपको स्पीकर के बारे में बताया था फॉर द बैक सीट, वो फ्रंट पैसेंजर्स को भी मिलता है। और यहाँ देख रहे हैं ये आपको क्लियरली स्पीकर यहाँ दिखाई दे रहा है कि इस गाड़ी में यहाँ पे स्पीकर दे दिया गया है ऑफ फुल साइज जो जनरली गाड़ी में कहीं और प्लेस किए जाते हैं, इसमें वो सिचुएशन नहीं आएगी, गाड़ी में जो स्पीकर है उनको यहीं प्लेस कर दिया गया। एंड एसी वेंट्स ना केवल रियर के लिए है बल्कि फ्रंट पैसेंजर्स को भी कवर कर दिया गया, ओके। एंड यहाँ देख रहे हैं एम्बिएंट लाइटिंग यहाँ नीटली प्लेस्ड है। अब एक चीज और बताता हूँ आपको, गाड़ी थोड़ी लो है, गेटिंग इन एंड आउट मुश्किल होगा, तो जब इसका डोर खुलेगा ये सीट जो है ना स्पेसिफिकली ऑलमोस्ट 30 डिग्रीज तक टर्न होगी, तो सीट ऐसे टर्न होगी ताकि कोई भी गाड़ी के अंदर चढ़ और उतर सके एकदम आराम से। तो ये एक और एक इसका यहाँ पे पॉइंट मिल जाएगा आपको। मोर देन दैट,
अब इंटीरियर देख लीजिए, आपको अच्छे से आइडिया आएगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। पूरा इंटीरियर देख लीजिए, आगे कुछ नहीं खाली, ठीक है। रूफ देख रहे हैं, सनरूफ पूरा ग्लास एरिया है इसको, ऊपर पूरा ग्लास, हाँ वाले गियर्स हैं, ठीक है। और फ्रंट में भी देख लीजिए, ये फुल ग्लास ही है जो वन पीस में आ रहा है नीचे, ओके। ये आगे देखेंगे तो इंजन की जगह यहाँ पे ज्यादा जगह ले लिया है, यहाँ क्या है देख रहे हैं कितना आगे तक ये जा रहा है, ये क्या है? तो इंजन का एरिया बहुत छोटा है जो मैं आपको बता रहा था। तो भले ही ये गाड़ी की लेंथ ऑलमोस्ट 4.3 मीटर है, पर ये गाड़ी सफारी से भी ज्यादा स्पेशियस है इन कैबिन। एंड आपको दूसरे फीचर्स में एक एक करके दिखाता हूँ। यहाँ सेंटर में देख लीजिए, ये तो स्टाइलिश लग रहा है, बिल्कुल साइफाई टाइप। ओके, ये आपके पास यहाँ पे स्टोरेज स्पेस रहेगी, यहाँ पे आपका गियर मोड्स है, एंड आपके पास एक्चुअली जो आगे डैशबोर्ड है यहाँ पे आपके पास स्टोरेज स्पेस एक्स्ट्रा आ जाएगी, और यहाँ पे आपका बेसिकली आ जाएगा एयरबैग्स। ओके, मिरर देख लीजिए इसकी, ऑटो डे एंड नाइट है। एंड अभी आपको स्टीयरिंग व्हील भी दिखा दूंगा इस गाड़ी का। तो अगर आप इसका स्क्रीन देखते हैं तो आपको बहुत सारी चीजें दिखेंगी। पहला यहाँ देख लीजिए, यहाँ से मैं दिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे कैमरा दी हुई है, तो ये कैमरा से यू नो यू कैन सी, तो आपको मिरर नहीं दिया हुआ, यहाँ पे दिया हुआ है। एंड जनरली हमारी गाड़ी में शीशा नहीं है, बहुत आगे। जब भी हम फ्यूचरिस्टिक गाड़ियों की बात करते हैं हमें टच स्क्रीन ही सब जगह दिखाई देते हैं, पर अगर आप यहाँ देख रहे हैं तो आपके पास टच स्क्रीन है ही नहीं। इनफैक्ट आप अगर यहाँ नोटिस करोगे, अभी फिलहाल तो नहीं चालू है, बट यहाँ पे एक स्क्रीन है जो चलेगी। देखिए चालू हो गई ये स्क्रीन यहाँ पे, तो ये स्क्रीन जैसे हमारे न्यूज में कैसे वो नीचे वो चलता रहता है स्टॉक मार्केट का, तो वैसे ही यहाँ पे आपके अपडेट्स देता रहेगा आपको, ताकि एकदम मिनिमलिस्टिक कंट्रोल रहे। तो मेजर कंट्रोल जो इसमें रहेगा इज गोइंग टू बी फ्रॉम योर वॉइस। तो आपने बोल दिया कि गाना बजा दो, मेरे को यहाँ जाना है वहाँ जाना है, और ये स्क्रीन पे आपको सारा नेविगेशन, आपका स्पीड, ये सब कुछ यहाँ दिखाई देगा। ऑन दिस टच स्क्रीन अप्रोच लिया टाटा मोटर्स ने फॉर अ व्हीकल लाइक दिस। आपके पास यहाँ आपको वॉइस कमांड दिया हुआ है, ब्लूटूथ कंट्रोल दिया हुआ है, एंड ये आपके बाकी सिंपलिस्टिक डिजाइन की। आप ड्राइव करो, आवाज से गाड़ी को बोलो मुझे ये करना है वो करना है, सीरी है गूगल जैसे होता है उस तरीके से ऑपरेट करो, एंड एवरीथिंग इज गोइंग टू फंक्शन एग्जैक्टली इन दैट पैटर्न। तो आप अपनी ड्राइविंग करो, एंजॉय योर ड्राइविंग, एंड ये जो स्क्रीन है कंट्रोल्स है वो आप छोड़ दो किसी और के लिए। तो अभी देखिए यहाँ मेरे को अभी क्या क्या देख रहे हैं, जैसे बैटरी का रेंज बता चल रहा है, ठीक है, बैटरी कितनी बाकी है, सब एयर क्वालिटी बता रहा है। तो इट्स सिंपलिस्टिक मिनिमल डेटा, आपको इससे ज्यादा डेटा की जरूरत जनरली नहीं है फॉर ड्राइविंग, एंड दैट्स व्हाट दे आर ट्राइंग टू बिल्ड ऑन दिस कार, कि आप गाड़ी ले रहे हो टू ड्राइव एंड टू एंजॉय इट। सो ये गाड़ी आपको ये सब चीजें यहाँ दे पा रही है। तो गाइज ये था अवन्या का एक्सटीरियर एंड इंटीरियर दोनों। अब सवाल आते हैं बहुत सारे, कब तक आएगी, 2025 तक ये गाड़ी मार्केट में आएगी, इसमें ऑलमोस्ट 500 किलोमीटर का रेंज रहेगा। अब सवाल ये उठता है कि इतना लेट क्यों आ रही है गाड़ी, तो ये थर्ड जनरेशन गाड़ी है। तो बेसिकली जो भी ये गाड़ियाँ बनाई जाएगी इस पर सिर्फ इलेक्ट्रिक ही आएगा, इसमें पेट्रोल और डीजल का ऑप्शन नहीं अवेलेबल कराया जाएगा। मोर ओवर ये गाड़ी को कैसे बनाया जा रहा है मैं आपको समझाता हूँ। एक बैटरी लो, उसके चारों तरफ यू नो पहिए आ जाएंगे, एंड देन यू मेक द होल कार अराउंड इट। तो इस वजह से आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हो इन दिस कार, और आगे चल के जो बैटरी की प्राइसेस कम होंगी क्योंकि डिमांड बढ़ रहा है, तो इस वजह से ये गाड़ी ज़्यादा अफोर्डेबल बन जाएगी। अब फिलहाल कंपनी ने हमको ये नहीं बताया कि गाड़ी कितनी अफोर्डेबल होने वाली है, पर मैं आपको ये चीज़ तो यहाँ क्लियरली कह सकता हूँ कि ये थर्ड जनरेशन गाड़ी रहेगी। तो पहली जनरेशन उनकी है टाटा नेक्सॉन एंड द टिगोर ईवी। तो बेसिकली जो ऑलरेडी पेट्रोल गाड़ियाँ मार्केट में अवेलेबल है उस पे उन्होंने बैटरी पैक लगाया है, और उसको यू नो एक मॉडिफाई करके गाड़ी बनाया। वेरास जो कर्व आपने देखी, जो अगले दो साल के अंदर आ जाएगी, उस पे शुरू से ही काम किया कि वो पेट्रोल और इलेक्ट्रिक दोनों के लिए बनाई जाए। तो इस वजह से उसमें एक ज्यादा एडवांटेज आ गया कि उसमें रेंज ज्यादा मिल गया। इसमें आपको जो नेक्सॉन आती है 250-300 का रियल लाइफ रेंज मिलता है, वेरास जो ये गाड़ी आ रही है कर्व, उसमें आपको 450-450 के आसपास रेंज मिलेगा। इस गाड़ी में टाटा मोटर्स क्लेम करता है कि 500 के ऊपर रेंज जाएगा, और जो भी चीज इसमें डिजाइन की जा रही है उससे ज्यादा स्पेस मिलेगा, क्योंकि ये गाड़ी में आपको इंजन बे नहीं है, इस वजह से आपके पास ज्यादा स्पेस मिल जाता है, एंड ये ज्यादा यू नो यूटिलाइजेशन बेटर हो सकते हैं इन अ स्मॉल एरिया इटसेल्फ। जैसे बहुत सारे और फैक्टर्स है जिस पे काम किया जा रहा है, एंड ये थर्ड जनरेशन को
थोड़ा और समय रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ मैंने आपके लिए जो वीडियो पहुँचाया है इसमें आपको बहुत डिटेल्स मिले। इनफैक्ट हमने इनके MD से भी बात की है टाटा मोटर्स में, शैलेश जी, जिन्होंने हमें ना केवल ये गाड़ी पे बल्कि दूसरे और प्रोडक्ट्स पे जहाँ आपने डाउट्स में हमें पूछा गया उस पे हमने क्लैरिटी लाने की कोशिश की गई है। तो वो वीडियो भी जाके देख लीजिए। आई एम लीविंग दैट लिंक फॉर यू इन द आई बटन। That's all we have for right now. इतना वीडियो देखा है, give it a big thumbs up, guys. And अगर आपके पास कुछ भी और सवाल है कि should I buy something or should I buy that, आप directly phone call पे मुझसे या मेरी team of experts से बात करके अपने सारे doubts clarify कर सकते हैं। आपको केवल motoroctane.com/car-consultancy पे जाना है, वहाँ कुछ डिटेल भरने and call time book करना है। It's as simple as that. And moreover, इतना वीडियो देखा है, give it a big like and subscribe करना मत भूलिए, क्योंकि अगले कुछ दिनों में आपको हमसे बहुत सारा कंटेंट मिलने वाला है। हमने जीप मेरिडियन लाए है, होंडा सिटी हाइब्रिड लाए हैं। इन द कमिंग डेज यू विल गेट VW वर्टिस, मर्सिडीज सी क्लास एंड द लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन। तो वहाँ नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कीजिए। दैट्स ऑल वी हैव फॉर राइट नाउ। टेक केयर गाइस, सी यू टुमारो, बाय। तो फ्रेंड्स, बहुत ही मजा आया, खासकर मुझे तो अंदर का ज्यादा था, बाहर का तो मैं देख ही लिया था। तो भैया, हवा कहाँ से आती है वो सब आपको पता ही है कि भाई, एज अ लेडी, लेडीज को लुक्स एंड इनसाइड का इंटीरियर इज द मोस्ट फैसिनेटिंग पार्ट। तो मैं तो फैसिनेट हो गई थी इंटीरियर देखकर ही कि इतना साईफाई का लुक दे रहा है। और टेक्निकल्स तो मेन लोगों का डिपार्टमेंट होता है कि भैया रेंज क्या है, बैटरी कितने मिनट में चार्ज होगी, वो सब अलग डिपार्टमेंट होता है। तो लुक वाइज तो भैया मैं तो उनको दूंगी 100 out of 100। अब टेक्निकलिटी के लिए आप लोग डिसाइड करो, पर जैसे कह रहे 2025 में आएगी, मैंने अगर गाड़ी लेनी है तो मैं तो यही वाली ले लू अगर मेरे पास चॉइस हो। देखिए, इसमें बहुत अच्छी बात है कि अभी तेजी से बढ़ रहे हैं। होप ये है मेरी कि 2025 तक और कोई ऐसे कार ना आ जाए इनसे पहले, इनकी चीटिंग ना कर ले। क्योंकि चक्कर ये है कि जो बंदा पहले आएगा वो मार्केट ग्रैब कर लेगा, तो या फिर ये, मगर ये रुकने वाले तो है नहीं अपनी इम्प्रूवमेंट से। मतलब जो 2025 में वर्जन आएगा उसमें बहुत कुछ और चेंजेस हो चुके होंगे टू रिफ्लेक्ट 2025। अब क्वेश्चन ये है कि वही पॉइंट है कि उससे पहले कोई ना आ जाए, उससे पहले आते हैं, उससे पहले कोई और कंपनी ना आ जाए जो ऐसी मार्केट में लेके आ जाए और प्रोड्यूस कर दे। और तो उसका, जैसे अभी टेस्ला है, टेस्ला की बटरफ्लाई के बदले ऊपर वाली विंग्स वाली है, तो वो पहले लेके आ गए। अब कोई भी आएगा तो बोलेंगे अच्छा पहले कोई ला चुका, तो अभी उन्होंने अच्छा ये बटरफ्लाई वाला दिखाया, कोई और लेके ना आ जाए। तो ये पॉइंट है, तेजी से करना पड़ेगा कि कोई और कंपटीशन ना आए। और दूसरा मुझे ये लग रहा है कि जो नेविगेशन है वो आपके फील्ड ऑफ व्यू में होना चाहिए। अगर स्टेयरिंग में है तो स्टेयरिंग में आप यूं देख के थोड़ा मुश्किल हो सकता है, इसलिए साइड में लगा होता है, जिससे आप यूं चला रहे हैं आपको साइड में नजर आ रहा है। मगर हो सकता है उसका इतना ऊंचा हो कि आपके फील्ड ऑफ विजन में हो, तो वो उन्होंने सोच समझ के ही बनाया होगा। तो काफी अच्छा लग रहा है। बस होप मेरा यही है कि ये 2025 के बदले और जल्दी आ जाए, और जल्दी आ जाए, जिससे और कंपटीशन को मौका ना मिले उससे पहले बनाए। क्योंकि अभी आउट हो गई है, जो लोग बना रहे थे उनको भी आइडियाज आ गए, उनको ये सब हो गया। अगर किसी के पास टेक्नोलॉजी है फास्टर, कहीं वो पहले लेके ना आ जाए, तो ये कंपटीशन हमेशा रहता है। जैसे मैंने कहा था, दो तरीके लोग होते हैं, एक होते हैं जो आइडियाज लाते हैं और दूसरे लोग जो एफिशिएंट होते हैं मगर ओरिजिनल आइडिया उनके पास नहीं है। तो यही होप है कि पूरे वर्ल्ड में कितनी सारी कंपनीज हैं, जापानीज हैं, कोरियंस हैं, इतने सारे हैं कि आई होप कि वो लोग जो है जल्दी अपना प्रोडक्ट ना ले, क्योंकि जो पहले लेके आएगा वही जीत रहा है। जैसे आपका टेस्ला नजर आ रहा है, टेस्ला क्यों जीत रहा है? क्योंकि कोई कंपटीशन में नहीं है। अगर कंपटीशन होता तब टेस्ला इतना महंगा होता कि मुझे लगता नहीं कि ज्यादा चलता। तो काफी अच्छी वीडियो था। आई होप जल्दी ले आए यार, मेरे को टेंशन हो गई है इससे पहले कि कोई और इनका आइडिया चोरी कर ले। पर कुछ ना कुछ तो होगा, कोई टर्म्स कंडीशंस होती होंगी कि देखो हमने ये बनाया, अब ये चीज आप नहीं कर सकते, ऐसे दरवाजा खुलना नहीं। मतलब जो भी छोटे मोटे पेटेंट तो होंगे, मगर आप लोग जो है थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके पेटेंट से बच जाते हैं। हो सकता है, पर दिस इज अ मार्वेलस कार, मजा ही आ गया देखने में। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।